down. हेलो गाइस, तो आप सबका वेलकम है एक और नए गेम प्ले में। तो आज हम यहाँ पर उतर रहे हैं स्पोर्ट, और देख सकते हो भाई बंदे मेरे साथ ही उतर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मेरे साथ ही उतर चुके हैं, और यहाँ पर हम जल्दी से अंदर चले जाते हैं और कोई सी एक गन उठा लेते हैं। यहाँ पर मुझे गन मिल जाती है, लेकिन मुझे पता नहीं इस गन से बंदा डाउन होगा भी या फिर नहीं, क्योंकि मैंने इस गन को कभी यूज़ किया ही नहीं है। और हो सकता है सामने वाले बंदों का M4 SK2L हो, तो भाई बंदे मुझे पेल देंगे। तो यहाँ पर एक बंदा आ जाता है, तो भाई देखो फिर कैसे पेलते हैं इसको। मैंने यहाँ पर इन दोनों बंदों को जैसे तैसे नॉक कर दिया, हालांकि मैं इनको फिनिश नहीं कर पाया क्योंकि भाई मेरे पास एमो नहीं था, तो इसलिए मैंने इनको फिर से फिनिश कर दिया। अब इनके जो दो बंदे बचे हुए थे, उनमें से एक बंदा तो उधर वाली स्क्वाड होती है वो फिनिश कर देती है, लेकिन जो उनका लास्ट बंदा होता है वो मेरे पर पुश कर देता है शॉट गन लेके। तो यहाँ पर मैं ऊपर चला जाता हूँ। और भाई फिर इसको फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पर एक बोट मिल जाता है, तो भाई इसको भी फिनिश कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर 4 किल हो चुके थे, मतलब कि मैंने यहाँ पर एक पूरी के पूरे स्क्वाड को फिनिश कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं, यहाँ पर मैंने एक बोट को फिनिश किया था। और हाँ, एक बात बताना, मैं तुम्हें भूल ही गया कि इस गेम प्ले में मैं शॉटगन यूज़ नहीं करने वाला। अब मैं यहाँ पर थोड़ा आगे की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपार्टमेंट की तरफ से बंदे काफ़ी ज़्यादा फायरिंग कर रहे थे, मतलब कि स्पोर्ट वाले अपार्टमेंट, ठीक है, स्टेडियम के पास वाले अपार्टमेंट नहीं, क्योंकि इस तरफ से बंदे काफ़ी ज़्यादा फायरिंग कर रहे थे। और वहाँ पर मुझे लग रहा था कि वहाँ पर एक से ज़्यादा स्क्वाड होगी, और हाँ वहाँ पर एक से ज़्यादा स्क्वाड ही थी। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ फिलहाल अपार्टमेंट में। अब यहाँ पर मैं अंदर ही नहीं आता, यहाँ पर मैं ऊपर भी चला जाता हूँ। और भाई देखो, यहाँ पर टिप एंड ट्रिक से ऊपर चला जाता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं ट्रिप एंड ट्रिक से यहाँ पर ऊपर आ जाता हूँ, और मेरे सामने पूरा का पूरा एक स्क्वाड होता है, और इन बंदों को मैं स्पॉट कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं इनको छेड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि अगर इनमें से एक बंदा मैंने डाउन कर दिया तब जाके कहीं मैं इनको फिनिश कर पाऊँगा। अदरवाइज़ अगर मैंने इनको बता दिया कि मैं इस तरफ हूँ, तो ये चारों के चारों मेरे पर चढ़ जाएंगे। और फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, वो बंदा ओपन में आ जाता है, तो भाई इसको यहाँ पर नॉक कर देता हूँ मैं। और भाई इसको सीधा फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि ये बंदा होता है वो रिवाइव के लिए कवर में जा रहा था, तो मैंने इसको जाने से पहले यहाँ पर फिनिश कर दिया इसको। और यहाँ पर एक भाई साहब बैठे हुए थे, इनको कुछ पता ही नहीं कि उनके पीछे क्या है, मतलब वो वाला डायलॉग याद आ गया मेरे को, पीछे तो देखो। तो यहाँ पर मैं इनको भी नॉक कर देता हूँ, और साथ ही मैं इनको भी फिनिश कर देता हूँ। अब बचे थे दो बंदे, तो अब यहाँ पर देखना मेरा स्प्रे। यहाँ पर एक बंदा डाउन हो जाता है, और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरा जो एम एसिस है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, और साथ ही मैं जायरोस्कोप भी यूज़ नहीं करता, मैं पूरा का पूरा थंब प्लेयर हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ, और मुझे पता था कि वो बंदा रिवाइव हो गया होगा। तो यहाँ पर देखो मेरे नेट का कमाल, और भाई साहब बंदा फूट जाता है। अब देखना इसका जो टीममेट होता है उसके साथ क्या ही स्कैम होने वाला है, देखना तुम। मतलब कि बंदे को पूरा यकीन था कि मैं सीढ़ों से ही ऊपर आऊँगा और वो मुझे पेल देगा, और मुझे ही पता था कि बंदा वहीं पे टीपी भी लेगा। तो यहाँ पर मैं इधर से आ जाता हूँ, और मैं इसको पेल देता हूँ। मैं इस स्क्वाड को फिनिश करके यहाँ पर मैं आराम से लूट ही रहा था, तभी मुझे यहाँ पर साउंड आती है एक बंदे की, और भाई साहब वो होता है अल्ट्रा प्रो प्लेयर। तो भाई इसको यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। तो इन सर को भी यहाँ पर हम फिनिश कर देते हैं। और भाई साहब इन बंदों ने यहाँ पर फ्लेयर मंगाई होती है, लेकिन यहाँ पर बंदे तो रहे नहीं, लेकिन फिर भी पबजी लाइट वाले यहाँ पर फ्लेयर भेज देते हैं। तो भाई यहाँ पर हम हैं, तो भाई हम यहाँ पर ड्रॉप लूट लेते हैं।
और जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ से मैं एमके उठा लेता हूँ, और तभी यहाँ पर मुझे साउंड आती है बंदे की, जो कि एक बोट होता है, बोट नहीं 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 बोट नहीं, अल्ट्रा प्रो प्लेयर। तो भाई साहब ये बंदा होता है वो मतलब इतना कन्फ्यूज़ करता है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर देखना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया इसने, ये बंदा मुझे मिलता ही नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट करता है ये बंदा, मतलब उसकी जो लोकेशन होती है मुझे पता ही नहीं चलती है, और फिर यहाँ पर ये बंदा मुझे मिल जाता है। हालांकि ये मुझे मिलता नहीं है, ये मेरे पे एक फायर कर देता है, और यहाँ पर मैं इसको पीछे मुड़ के इसको पेल देता हूँ। हालांकि इसने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, तो कोई ना यार, यहाँ पर इसने किल तो दे दिया। अब मैं यहाँ पर अल्ट्रा प्रो प्लेयर को मारकर यहाँ पर व्हीकल लेकर थर्टल की तरफ चलता हूँ, और यहाँ पर मेरे हो चुके थे 10 किल, और अब मेरे हाथ में एमके, और अब है ना तुम्हें देखने को मिलने वाली एमके की तबाही, मतलब क्या ही चलती है एमके, वो तुम्हें पता चलेगा अब अगर तुम यूज़ नहीं करते हो एमके को तो, क्योंकि कई बंदे ऐसे हैं जो पबजी लाइट में एमके को बहुत ज़्यादा घटिया गन मानते हैं, और उनमें शायद मैं भी था। लेकिन जब से मैंने एमके को यूज़ करना स्टार्ट किया ना भाई, मुझे पता चला है कि भाई एमके कैसे चलती है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हो रही थी, मतलब कि बंदे क्या ही कर रहे थे यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 स्क्वाड होती है, तो भाई देखो क्या होने वाला आगे। तो यहाँ पर मैं ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ ऊपर से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू मिलेगा, और भाई साहब यहाँ पर एक बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ जो कि पहले से नॉक किया हुआ था किसी का। अब मैं यहाँ पर थोड़ा आगे की तरफ आ जाता हूँ, और यहाँ पर मुझे 2 बंदे दिखते हैं, हालांकि एक नहीं दिखता, यहाँ पर मुझे 2 बंदे दिखते हैं, लेकिन एक बंदे को मैं इग्नोर करता हूँ, और यहाँ पर एक बंदे पे मैं स्प्रे देता हूँ, और यहाँ पर इसको नॉक कर देता हूँ। अब वो बंदा जो दूसरे स्क्वाड का था और वो मार रहा था इसको, तो भाई मैं इसको भी नॉक कर देता हूँ, पर जंप करके भाई इसको भी नॉक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इस बंदे को तो एमके से फिनिश कर देता हूँ, और जो इसका जो दूसरा टीममेट होता है जिसको मैंने पहले नॉक किया था, मैं इसको भी यहाँ पर आगे आके इसको भी फिनिश कर देता हूँ। अब मेरे सामने पूरा का पूरा एक और स्क्वाड है, तो देखो भाई इसको कैसे फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बंदे को डाउन कर दिया, अब दूसरा बंदा मेरे पे पुश कर चुका है, तो यहाँ पर मैंने इसको नॉक किया और सीधा यहाँ पर मैंने इसको फिनिश कर दिया। और यहाँ पर मैंने तीसरे बंदे को यहाँ पर एमके से पेल दिया, और यहाँ पर चौथा बंदा होता है इसको भी यहाँ पर मैंने पेल दिया। इस इनके लिए एक लाइक करना तो बनता ही है। अब यहाँ पर एक और अल्ट्रा प्रो प्लेयर आ जाता है, तो भाई इसको भी यहाँ पर मैं पेल देता हूँ। और सच बताऊँ ना तो यहाँ पर मेरे M4 में एमओ ही नहीं था, इसलिए यहाँ पर मैंने एमके यूज़ करी, क्योंकि भाई अगर मेरे पास M4 में एमओ होता तो यहाँ पर मैं M4 ही यूज़ करता। लेकिन भाई कुछ भी हो, यहाँ पर हमने इनको फिनिश कर दिया, और अब देखना यहाँ पर मेरे साथ क्या ही स्कैम होने वाला है, बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है अपने साथ। देखो मतलब कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, तब मुझे ये सीन देखकर रोना आ गया था। अब मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि बंदा इस तरफ भी हो सकता है, क्योंकि जिस स्क्वाड को मैंने फिनिश किया वो स्क्वाड उस तरफ से ही आ रही थी, तो बंदा कैसे हो सकता है उस तरफ, यानी कि ये मैंने सोचा था। अब देखो यार गेम है, गेम में बंदा कहीं पर भी हो सकता है, और गलती मेरी है कि मैंने इसको सपोर्ट नहीं किया। कोई ना यार, चिकन डिनर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच में कर लेंगे। ये गेम प्ले तुम्हें पसंद आया तो उसे लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर करो, और भाई चैनल पर आगे घूमते फिरते कहीं से तो भाई सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। और हम सब फिर मिलने वाले एक और नए गेम प्ले या फिर वीडियो में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only